गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग गद्य भाग से जो पहला पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों आप लोग अपनी बुक को निकाल लीजिए। पार्ट पहला, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति के लेखक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जीवन काल देखिए इनका, सन 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, यानी 1850 में जन्म और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु। मात्र 35 वर्षों में इन्होंने महत्वपूर्ण जो उनका समय ये जो था उन्होंने साहित्य के योगदान में दिया। देखिए जीवन परिचय, युग प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। देखिए बच्चों, यहाँ शॉर्ट में लेखक जी का परिचय दिया हुआ है, इसको आप जरूर से याद कीजिएगा। नाम भारतेंदु हरिश्चंद, पिता का नाम बापू गोपाल चंद गिरिधर दास, जन्म सन 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संपादन इन्होंने जो किया है कवि वचन सुधा का, हरिश्चंद मैगजीन, हरिश्चंद चंद्रिका। लेखन विधा इनकी जो है कविता है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, उपन्यास है, पत्रकारिता, मतलब इन्होंने इन विधाओं में रचनाएं की हैं। भाषा शैली, भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली है। शैली मुक्तक है। रचनाएं नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कपूर मंजनी, सुलोचना आदि है। निधन देखिए सन 1885 ईस्वी में। और साहित्य में स्थान क्या है, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के कारण के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। और सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। ये तो बच्चों रहा जीवन परिचय। अब है साहित्यिक परिचय, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसको शॉर्ट में 80 शब्दों में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 में भारतेंदु जी ने
कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। ये बच्चों लर्न कीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, तो कौन किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसकी 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। तो ये सेंटेंस भी आप बच्चों लर्न रखिए, अच्छे से लर्न कीजिएगा कि इस गद्य का परिष्कृत रूप यानी उसको शुद्ध और सही मार्गदर्शन इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को मिला। हिंदी भारतेंदु जी ने नाटक निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कृतियां देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक, भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की जो इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं सत्य हरिश्चंद, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विश्वस्य विषम औषधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगनी। बच्चों ये जितनी रचनाएं हैं ना, इसको लर्न जरूर कीजिएगा क्योंकि भी इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछी जाती है कि किसने लिखा है, तो आपको जब मालूम रहेगा तभी आप बता पाएंगे। अनुदित रचनाएं मुद्राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, धनंजय विजय, ये इनकी अनुदित रचनाएं। फिर निबंध संग्रह, कौन कौन से निबंध इन्होंने, सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, हिंदी, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। और इतिहास देखिए, कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत, यह अक्सर पूछा जाता है कि किसने लिखा है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनियां, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। भाषा शैली, भाषा भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। अब देखिए शैली, बच्चों ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मुख्य मुख्य इसमें से छांट करके आप शॉर्ट में लिखिएगा कि इनकी भाषा कौन सी थी, फिर उसके बाद शैली, इन्होंने किन शैली का प्रयोग किया, नाम बस लिख दीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। इनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने अग्रलिखित शैलियों का उपयोग किया। पहली शैली है वर्णनात्मक शैली। अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। वाक्यों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त इनकी वर्णनात्मक शैली भी शैली की अपनी अलग मौलिकता है। फिर है विवरणात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी यह शैली कवित्व पूर्ण आभा से मंडित है। विचारात्मक शैली, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती आदि निबंधों में
भारतेंदु जी ने विवरणात्मक शैली का जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। इस शैली पर आधारित रचनाओं में इनके विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। भावात्मक शैली, भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें इनके भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। व्यंग्यात्मक शैली, भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। हास्य शैली, भारतेंदु जी ने हास्य शैली में भी रचनाएं की। हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाओं में अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा नवावती उल्लेखनीय है। इनके निबंधों में भी यत्र तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली एवं कथा शैली आदि में भी निबंधों की रचना की। हिंदी साहित्य में स्थान, ये बच्चों जरूर लिखिएगा, भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार तथा हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, ये रहा भारतेंदु जी के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से गद्य साहित्य में अपना योगदान दिया, उसका वर्णन है। बच्चों, इसमें आप 80 शब्द में छांट करके आपको अपनी फेयर कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। बच्चों, आप थोड़ा ज्यादा लिखिएगा ताकि जब आप उसको लर्न करते हैं तो फिर जब लिखेंगे तो हो सकता है एक आध लाइन आप भूल भी जाएं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि एग्जाम के लिए आपका 80 शब्द से कम ना हो। ठीक है बच्चों, भारतवर्ष और इसमें उन्नति शब्द जुड़ा हुआ है तो बन क्या गया, भारतवर्षोन्नति। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रश्न कर रहे हैं लेखक। ठीक है, प्रस्तुत निबंध, ये क्या है, निबंध है बच्चों। किस विधा में लिखा गया है, निबंध विधा में ये लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरूतियों एवं अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें एवं उद्योगों को विकसित करके और आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। देखिए, ये तो बच्चों इसमें क्या है उसको शॉर्ट में सारांश के रूप में यहाँ पे इन्होंने बताया है। अब निबंध स्टार्ट हो रहा है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए, हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम,
राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम में गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये बहुत अच्छा मसल इन्होंने यहाँ पे लिखा है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में भारतेंदु हरिश्चंद जी, आपने शुरू में ही जान लिया कि वह बड़े दूरदर्शी थे, ये आगे की सोच करके लिखा करते थे, वो भविष्य के बारे में चिंतन किया करते थे और भारतवासियों के प्रति, भारतवासियों के लिए वो चिंतित थे। उन्होंने, उनके लिखने का यही उद्देश्य था कि हम सब भारतीयों की किस प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए वो बहुत चिंतित थे, तभी ये इन्होंने इस निबंध को लिखा है। इसमें बच्चों भारतेंदु जी ने भारतवासियों के आलस्य की चर्चा की कि वो कितने आलसी हैं। उनके अनुसार भारतवासियों के पिछड़े होने का कारण जो है वो आलस्य ही इन्होंने सुझाया है। ये बताना चाहते हैं कि इनका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने केवल पीछे चलना या किसी का कहना चाहिए अनुसरण करना, मतलब कि नेता बनने वाली इनमें खूबी नहीं पाई जाती थी। ये पीछे पीछे बस केवल चलना, अनुगमन करना या अनुसरण करना को ही अपना इन्होंने लक्ष्य बनाया हुआ था भारतवासियों ने। तो उसी पे इन्होंने लिखा है कि भारत, भारतेंदु जी कहते हैं कि ये भारत का महान क्या है, दुर्भाग्य है। ये क्या है, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ के निवासी अत्यंत आलसी हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें वो गुण या शक्ति की कमी है, उनमें वो खूबियां हैं, लेकिन आलस के कारण ये क्या है, पिछड़े हुए हैं। इस आलसी स्वभाव के ही कारण इनकी क्या है, उन्नति नहीं हो पा रही है। यही हमारे पिछड़ेपन का इन्होंने मुख्य कारण बताया है। ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रेलगाड़ी जो होती है वो अच्छे अच्छे डिब्बे उसमें लगे रहते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के, जो कि अच्छी कीमत के होते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति यदि उसमें सवार होता है तो उसकी, उसे अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब कि उस डिब्बों के द्वारा रेल को अच्छा मुनाफा होता है, अच्छी कमाई होती है, लेकिन वो डिब्बे क्या हैं, बिना इंजन बेकार हैं। ये उसी प्रकार बेकार हैं जैसे क्या है, सब शक्ति होने के बावजूद यदि आदमी आलस्य में एक जगह स्थिर रहे, कुछ कार्य ना करे, तो किसके समान होगा, रेलगाड़ी के डिब्बों के ही समान होगा। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वे इंजन के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति नहीं उत्पन्न होती है। उसी प्रकार भारतवासी भी विद्वान हैं, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो खूबी है, उनमें शक्ति है, उनमें सामर्थ्य है, किंतु उन्हें सही नेतृत्व नहीं मिलता है। यदि कोई उन्हें सही राह दिखाए तो वो क्या नहीं कर सकते, मतलब कि वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। भारतीयों के इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें कोई उनके बल को, उनके पौरुष का स्मरण कराए। उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पे जामवंत के लिए कहा है कि जिस प्रकार जामवंत द्वारा याद दिलाए जाने पर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हो गया, उनको शक्ति का स्मरण हो गया,
तब उन्होंने क्या किया, शक्ति को उन्हें पता चला कि उनके अंदर वो शक्ति है। यहाँ पे समस्या ये बता रहे हैं कि सही नेतृत्व की है, कोई भारतवासियों को ज्ञान दिलाने वाला चाहिए कि तुम में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, ऐसे नेता की इनको आवश्यकता है जो उनके बल और पौरुष को स्मरण कराकर उन्हें कर्तव्य मार्ग की ओर ले जाए। यहाँ बता रहे हैं आगे कि ऐसा नहीं है हाकिमों को कुछ, तो यहाँ बता रहे राजा महाराजा भी अपने समय को किसमें व्यतीत कर रहे हैं, उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था बच्चे, जब ये लिखा गया निबंध तो वही लिखा है कि वो पूजा भोजन झूठी गपशप से उनको छुट्टी नहीं रहती थी कि वो बाकी देश के उत्थान के लिए कुछ करें। और ऐसे ही हाकिम जो थे, जो ऊंचे अधिकारी पद पे थे, वो लोग भी उनको क्या सरकारी काम घेरे रहते थे और जो समय बाकी शेष उनके पास रहता था वो किसमें गुजार देते थे, घुड़दौड़ या थिएटर में निकाल देते। मतलब कि उन्होंने कभी भारतवासियों को सही मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया कि वो अपने समय को यदि इनको प्रेरित करने के लिए इनको इनके शक्ति का स्मरण दिलाते तो जरूर होता कि वो अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरते। तो इस पूरे पैराग्राफ में बताया कि उन्हें भी कोई समय नहीं था, फुर्सत नहीं थी इन सब बातों के लिए। तो यहाँ ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी समझाना, भारतवासियों को नवयुवकों को जागृत करना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, नेता बनने की आवश्यकता है, तुम्हें अपनी शक्ति को याद करने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश का समाज का कल्याण होने पाएगा। यहाँ ये मसल के द्वारा इन्होंने समझाया, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। मतलब कि सब अपने ही कार्यों में, अपने ही ऐशो आराम में वो व्यस्त थे, किसी ने हिंदुस्तान के अपने देश के बारे में नहीं सोचा। आगे लिखा है, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मे पन्ने घेर लिया। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में क्या था, राजा महाराजाओं के ही जिम्मे ये काम था, ये कार्य दिया गया था कि वो विभिन्न देश में विभिन्न प्रकार की विद्या और नीति को फैलाने का कार्य करें, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्हें निकम्मे पन्ने घेरा। मतलब कि ये आलसी थे, इन्होंने अपने कार्य को सही रीति से नहीं किया, जिसके कारण हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन पीछे की ओर, उन विकसित देशों के श्रेणी में आने के बजाय विकासशील देश की श्रेणी में आज भी क्या है, है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। हाँ, आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हमें इनके उस पे कहना चाहिए, मुझे दुर्भाग्य पर है कि कैसा दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है कि इन्हें लज्जा भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती है, उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल के पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत से जो दूरबीन बनी उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी
वही गति ठीक आती। यहां ये बता रहे हैं कि उनमें क्षमता का अभाव नहीं था, उनमें वो काबिलियत थी, उनमें वो खूबी थी, उनमें वो शक्ति थी कि उन्होंने अभाव में, मतलब कि वो सारे तारागण देखने वाले जो यंत्र होते हैं, दूरबीन जो होता है, वो उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने किसके द्वारा, बांस की नलियों के द्वारा जो उन्होंने ये तारागण के बारे में जो गति उसके बारे में पता लगाया, वो दूरबीन के द्वारा जो गति प्राप्त हुई वो सेम निकली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अभाव में रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षमता, अपनी बुद्धि का परिचय दिया और सही सही गणना का पता लगाया। लिखा है, और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब भी हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। कहने का इनका तात्पर्य यहाँ पे है कि अब वो सब सुविधाएं, ज्ञान सब कुछ है, उस जमाने में नहीं था, फिर भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन आज जबकि हमारे पास सारे सुविधाएं भी हैं, सब कुछ है, फिर भी हम क्या हैं? लिखा है निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी। जिस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी के गाड़ी में क्या है, कूड़ा करकट लोग डालते हैं, उसी समान हमारा देश हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, विदेशों से सामान मंगाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपने देश में उसका उत्पादन कर रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। ये क्या बता रहे हैं कि ये समय किस प्रकार का है, हर देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर है, वो सरपट भागा चला जा रहा है उन्नति की दौड़ में, और वो पाला को छूना चाह रहा है, वो पहले स्थान पे आना चाह रहा है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि, तुर्की, ताजी, सब सरपट दौड़े जाते हैं, मतलब कि कोई पीछे नहीं है, हर देश जो है इस दौड़ में प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयासरत है। सब के जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खो देते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जापानी कैसे होते हैं, टट्टुओं के समान जो है ठिगने होते हैं, मतलब कि उनकी हाइट नहीं होती है, वो लंबे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब भी क्या है, हाँपते हुए दौड़ रहे हैं, उस रेस में जो है प्रथम स्थान पाना चाह रहे हैं। उनको देख के भी भारतवासियों को क्या है, लज्जा नहीं आती, उन्हें शर्म की अनुभूति नहीं।